हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज के इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पार्ट थ्री करेंगे। इसमें हम आर एस अग्रवाल की जो क्वांटिटी एंड एम्पलीट्यूड की बुक है उससे क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 21 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 3a+5b रेशियो 3a-5b इज इक्वल टू है 5:1। ठीक है, तो a अनुपात b की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है। देखो क्या दिया है, 3a+5b अनुपात 3a-5b बराबर किसके है, बराबर है 5:1 के। अब देखो अनुपात हटाएंगे तो बटे में आएगा, तो कितना होगा ये 3a+5b बटे 3a-5b बराबर, यहाँ पे भी कितना आएगा 5/1 आएगा। देखो इसका गुणा यहाँ करो और इसका गुणा यहाँ कर दो तो कितना होगा, ये 1 का गुणा इसके साथ में होगा, ठीक है, तो 3a होगा यहाँ पे प्लस 1 का गुणा 5 के साथ में भी होगा तो 5b होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब 5 का गुणा यहाँ भी कर दो और यहाँ भी कर दो तो 5 दिए कितना होगा 15a-5 कितना होगा 25b। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, a को अलग कर दो और b को अलग कर दो, तो ये वाला a इसको इधर लेके आएंगे तो कितना होगा, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा ये 12a बराबर। अब देखो ये वाला जो 25 है इसको इधर लेके आओ तो कितना होगा ये, यानी ये माइनस में है तो यहाँ आके प्लस में होगा तो 25+5 करेंगे तो कितना होगा ये 30b। ठीक है, अब देखो a अनुपात b हम निकाल सकते हैं, तो a अनुपात b कितना होगा, a इस पे जाता है और b इस पे जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, a होगा 30, अनुपात b कितना होगा, b होगा 12। ठीक है, अब देखो हम इसको किससे काट सकते हैं, इसको हम 3 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे कितना होगा 4 होगा। अब इसको 2 से काट दो तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 5 होगा, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, 5:2, यानी सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 4x²-3y² अनुपात 2x² + 5y² बराबर है 12:19, तो x अनुपात y क्या होगा। देखो इसको भी यही करेंगे, क्या करेंगे इसमें भी, यानी अनुपात हटाएंगे तो बट्टे में करेंगे तो 4x² - 3y² अपॉन 2x² + 5y² किसके बराबर होगा, ये होगा 12/19 के। अब देखो 19 का गुणा यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा तो कितना होगा ये 19 चौको कितना होता है 76x² - यहाँ पे कितना होगा 19 से कितना होता है 57y² बराबर होगा 12×24x² + 12×60y². ठीक है, अब देखो x और y को अब सेपरेट करो तो कितना होगा, देखो 76 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना होगा 2 और 7 में से 2 माइनस करो कितना होगा 5। ठीक है, यानी 52x² होगा इज इक्वल टू ये कितना होगा, अब देखो इसको इधर लेके आओ तो कितना होगा ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 60+57 कितना होगा यहाँ पे होगा 7 और 6 और 5 कितना होता है 11, यानी 117 कितना होगा ये एक्स, ये होगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 52x² बराबर होगा 117y². अब देखो इसको हम 13 से काट सकते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 13×52 और यहाँ पर कितना होगा 13×117। ठीक है, अब देखो 4x² बराबर होगा 9y². अब देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, यानी 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर भी है। इसी प्रकार से 3 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू वाई स्क्वायर भी है। अब देखो स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, इसके होल में लिख सकते हैं, यानी 2x² बराबर होगा 3y². ठीक है, अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो तो कितना होगा ये 2x बराबर होगा 3y, यानी x अनुपात y कितना होगा, देखो x इस पे जाएगा और y इस पे, यानी 3:2 होगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, x² + 4y² इज इक्वल टू है 4xy, तो x अनुपात y हमें निकालना है। देखो क्या दिया है, x² + 4y² बराबर किसके है, 4xy के है। ठीक है, अब देखो ये एक्स वाई को इधर लेके आओ तो कितना होगा ये x² + अब देखो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू ये भी है वाई स्क्वायर, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2y² हम लिख सकते हैं। अब इसको इधर लेके आओ तो -4xy बराबर होगा 0। ठीक है, अब देखो ये किसका स्क्वायर बन गया, ये बन गया x-2y² बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x-2y² लिख सकते हैं, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 0 के। ठीक है,
अब देखो ये जो स्क्वायर है इसको इधर लेके आओ तो एक्स माइनस टू वाई बराबर किसके होगा, जीरो को होगा, क्योंकि जीरो का स्क्वायर करो या एक बटे दो करो, बात क्या है एक ही है, कितना आएगा आंसर, आंसर जीरो ही आएगा। ठीक, तो एक्स माइनस टू वाई बराबर किसके होगा, जीरो के होगा, तो एक्स बराबर होगा टू वाई। अब देखो एक्स इस पर जाता है और वाई इस पर आएगा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन मानते हैं, तो एक्स अनुपात वाई कितना होगा, दो अनुपात एक। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 5x स्क्वायर माइनस 13xy वाई प्लस 6y स्क्वायर बराबर है जीरो, तो x अनुपात y की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो हमें क्या दिया है, 5x स्क्वायर माइनस 13xy बराबर, ये प्लस क्या दिया है, 6y स्क्वायर बराबर जीरो है। ठीक है, अब देखो हमें 13 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जिससे क्या हो जाए कि इसको जोड़ के या घटा के तो 13 आना चाहिए, बट क्या होना चाहिए, गुणा करके कितना आना चाहिए, इन दोनों का गुणा करके जितना आएगा उतना आना चाहिए, यानी 5 छके कितना होगा 30। ठीक है, यानी जोड़ के और घटा के तो 13 आना चाहिए, बट जब हम इन दो उन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 30 के बराबर आना चाहिए, तो कौन सा नंबर होगा ऐसे, 10 और 3। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, माइनस 10 और माइनस 3 कर सकते हैं। अब देखो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 30 के बराबर आ रहा है, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे या इस प्रकार से हम करेंगे तो कितना होगा, ये माइनस 13 होगा। ठीक है, तो इसको तोड़ दो, तो इस प्रकार से हम तोड़ेंगे, यानी 5x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 3xy इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो माइनस 13xy ही आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस कितना होगा, 6y स्क्वायर होगा, बराबर किसके होगा, बराबर होगा जीरो के। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, 2y। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस 3y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, और माइनस यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा 2y। ठीक है, अब देखो x माइनस 2y यहाँ पे भी है, x माइनस 2y यहाँ पे भी है, बराबर जीरो के होगा, तो x माइनस 2y इंटू 5x माइनस 3y किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अब देखो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी x माइनस 2y किसके बराबर होगा, जीरो के, और 5x माइनस 3y किसके बराबर होगा, ये भी बराबर होगा जीरो के। इसका मतलब x बराबर होगा 2y और यहाँ पे भी होगा 5x बराबर होगा 3y। इसका मतलब x अनुपात y कितना आएगा, देखो इस पे जाएगा, यानी 2:1 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, x अनुपात y यहाँ पे होगा 3:5। इसका मतलब कौन कौन सा हमारा आंसर होगा, 2:1 और 3:5 वाला हमारा आंसर होगा, यानी 2:1 और 3:5, यानी डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 4:3:5:2:5 बराबर कितना होगा। देखो 4:3:5 हमें दिया है अनुपात 2:5। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अनुपात का मतलब होता है बटे, तो क्या कर सकते हैं, इसको 4:3:5:2:5 लिख सकते हैं। अब देखो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2×2 लिख सकते हैं या 2×2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो लिख दो कितना होगा ये, यानी 2:2×3:5 होगा अपॉन, यहाँ पे कितना होगा, 2:5 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको ये 2 × इसका गुणा होगा 2×3:5 के साथ इसका गुणा होगा अपॉन 2×5 होगा। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 35×2 कितना होता है, 70, यानी 7.0 होगा, यानी 2×7/2×5। ठीक, अब देखो ये जो 2×5 है इसको ऊपर लेके आएंगे तो कितना होगा, ये 2×7। नीचे देखो प्लस में है, तो अगर हम इसको ऊपर लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, यानी 2×5 किस में होगा, ये माइनस में होगा। ठीक है, अब देखो बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। अगर प्लस का साइन है तो प्लस होगा और माइनस का साइन है तो माइनस होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 2×7, देखो 7 तो प्लस में है तो 7 को हमने प्लस में ले लिया, और 5 माइनस में है तो 5 को किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। इसका मतलब कितना होगा, ये 7 में से 5 माइनस करो, यानी 2×2 होगा, यानी 2×2 कितना होता है, 4, यानी 4 वाला हमारा आंसर होगा। तो 4 वाला हमारा आंसर का मतलब क्या हो गया कि देखो 4 और अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 4:1 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25,
बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या दिया है, ए का मतलब क्या होता है, गुणा 30%। अब देखो 30 तो हमने ले लिया, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। बराबर बी का मतलब क्या होता है, गुणा 0.25, ठीक है। बराबर सी और का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, तो 1/ क्या होगा, 1/5 होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम इससे काट सकते हैं, ठीक है, तो कितना होगा ये 3a/10 बराबर होगा 0.25b बराबर होगा 1/5c। अब देखो a अनुपात b अनुपात c कैसे निकाल सकते हैं, देखो a का निकालने के लिए क्या करते हैं, a को छोड़ के इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, तो कितना होगा ये 0.25 × 1/5, ये हमने a निकाल दिया। b का निकालने के लिए हमें b को छोड़ के इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, तो कितना होगा ये 3/10 × 1/5, ठीक है। और सी का निकालने के लिए हमें सी का छोड़ के इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, यानी 3/10 × 0.25, ठीक है। अब देखो इसको इससे काट दो तो कितना होगा, यहाँ पे 0 ये होगा 0.5, इसका मतलब 0.05 यहाँ पे होगा अनुपात। अब देखो इसको किससे क्या होगा, यहाँ पे होगा 3/50, ठीक है। अनुपात यहाँ पे कितना होगा, देखो इसको इससे काट सकते हैं, तो कितना होगा यहाँ पे होगा 3×0.025, ठीक, क्योंकि 1 10 है तो 1 जो दशमलव है 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा करो तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो रहा 5 × 3 15 = 5 और 3 × 2 = 6 और 1 = 7, यानी 0.075 होगा। अब देखो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे, देखो दशमलव के कितने स्थान हैं, यहाँ पे 3 स्थान हैं, तो सबसे पहले हम इसको किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे दशमलव हटाने के लिए। तो देखो 1000 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा 50, ठीक है। अनुपात यहाँ पे 1000 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3×1000/ यहाँ पे होगा 50, इसका मतलब इससे ये वाला कैंसिल और इसको काट दो तो यहाँ पे होगा 20। अनुपात यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 75, ठीक। अब देखो इसको गुणा कर दो तो यहाँ पे होगा 50 अनुपात, यहाँ पे कितना होगा 3×6, यानी 60 अनुपात यहाँ पे कितना होगा, 75। अब देखो इसको हम 5 से काट सकते हैं तो यहाँ पे 10 होगा अनुपात, यहाँ पे कितना होगा 12 होगा और यहाँ पे कितना होगा 5 × 5 और 5 × 25 यानी 15 होगा, यानी 10 × 12 × 15 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 2:3:4, तो ए अपॉन बी अनुपात बी अपॉन सी अनुपात सी अपॉन ए की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो ए की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर, अपॉन बी की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर, अनुपात बी की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो 3/ सी की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर अनुपात। अब देखो सी की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है और ए की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर, ठीक है। तो देखो जो अनुपात है उसको हम फ्रैक्शन में तो लेते नहीं हैं, तो हमें इसको ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जिससे 3 भी हट जाए यहाँ से, 4 भी हट जाए और 2 भी हट जाए, ठीक है। तो किससे गुणा करेंगे हम, अगर इसको 12 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 12 से गुणा करेंगे तो इससे इसको काटो कितनी बार होगा, यहाँ पे होगा 4 बार, तो यानी 4×2 कितना होगा, 8 होगा अनुपात। इसी प्रकार से 4 को इससे काट दो तो कितनी बार होगा, 3 बार, यानी 3×3 करेंगे तो 3 × 3 कितना होता है, 9। अनुपात 2 को इसके साथ में काट दो तो कितनी बार होगा, 6 होगा, यानी 6×4 करेंगे तो कितना होगा, 6×24 यानी 24 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, 8×9=24, यानी डी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर है 2:3, बी अनुपात सी बराबर है 4:5, तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनको हम कनेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे बी यहाँ पे भी है, तो हमें क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। देखो किस प्रकार से हम इनको कनेक्ट करेंगे, 2:3 और इसके जो ये वाला बी है इसके ठीक नीचे ये दूसरे वाला बी, यानी 4:5 होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ए निकल आएगा, तो 4×8 होगा अनुपात, इन दोनों को गुणा करेंगे तो बी निकल आएगा, तो 3×2 कितना होगा, 12 होगा अनुपात, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारा सी निकल आएगा, यानी 5×3 कितना होगा, 15 होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसके राइट में क्या है, 4 है, तो इसको 4 लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख दो, इसके लेफ्ट में 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दो। तो देखो इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो और इन दोनों को गुणा करो, तो ए बी और सी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब देखो ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल दी तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यानी कितना होगा, ए की वैल्यू है 8, तो ए स्क्वायर की होगी 8×8 अनुपात, बी स्क्वायर की कितनी होगी, 12×12
अनुपात बी की वैल्यू कितनी है 12 इंटू सी की वैल्यू है 15। अब देखो हम इसको किससे काट सकते हैं, देखो इसको चार से काट सकते हैं, यहाँ पर कितनी बार जाएगा 2 बार, यहाँ पर जाएगा 3 बार और यहाँ पर भी जाएगा 3 बार, ठीक है। अब देखो हम इसको काट नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका गुणा करेंगे, तो 8 दूनी कितना होगा 16 अनुपात 12 कितना होगा 36 अनुपात 15 45। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, 16 अनुपात 36 अनुपात 45, यानी डी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर है 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी बराबर है 1/3 अनुपात 5/9, सी अनुपात डी बराबर है 5/6 अनुपात 3/4। तो हमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ए अनुपात बी हमें दिया है कितना है 1/2 अनुपात 3/8। अब देखो जो अनुपात है उसको हम अपॉन में तो लेते नहीं है, तो इसको हम किससे गुणा कर सकते हैं, 8 से गुणा कर सकते हैं। तो कितना होगा यहाँ पे, देखो इसको इससे साथ में काटेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 4 अनुपात, इसको इसके साथ में काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, तो 3 × 1 कितना होता है 3 होता है, यानी ए अनुपात बी हमने निकाल दिया कितना है 4:3। इसी प्रकार से बी अनुपात सी निकालेंगे, देखो बी अनुपात सी क्या दिया है 1/3 अनुपात 5/9, तो इसको किससे गुणा कर सकते हैं, हम 9 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा इसको इसके साथ में काटेंगे तो यहाँ पे 3 होगा अनुपात, इसको इसके साथ में काटेंगे तो यहाँ पे होगा 5, यानी बी अनुपात सी कितना होगा 3:5 होगा। इसी प्रकार से सी अनुपात डी निकालो कितना होगा, सी अनुपात डी बराबर होगा 5/6 अनुपात 3/4। अब देखो इसको हम किससे गुणा कर सकते हैं, इसको हम 12 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है, यानी इन दोनों का जो मल्टीपल होगा उससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब देखो 6 को इसके साथ में काटेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे 5 × 2, इसका मतलब कितना होगा 10 अनुपात, यहाँ पे कितना होगा, इसको इसके साथ में काट दो तो यहाँ पे 3 होगा, यानी 3 × 3 कितना होगा 9। अब देखो ए बी हमने निकाल दिया कितना है 4:3, बी सी हमने निकाल दिया कितना है 3:5, और सी डी हमने निकाल दिया कितना है 10:9। तो हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो इन तीनों को क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे, यानी 4:3, और देखो ये बी है और ये भी बी है, तो क्या करेंगे हम इसके ठीक नीचे वाले लिखेंगे, यानी 3:5, और ये वाला सी है और ये भी क्या है, ये भी सी है, तो इसके ठीक नीचे क्या लिखेंगे हम 10:9, ठीक है। अब देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, देखो इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इनको इसको इसको गुणा करके ये निकालते हैं, ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था, देखो इसके राइट हैंड साइड में 10 है तो 10 लिखो, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 10, इसी प्रकार से यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3 है तो 3 और यहाँ पे भी 3 होगा, इसी प्रकार से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दो, ठीक है। अब देखो इनका गुणा करो तो ए निकल आएगा, तो कितना होगा ये 10 × 3 × 4, तो ए निकाल दिया अनुपात 10 × 3 × 3, तो बी निकाल दिया अनुपात 10 × 5 × 3, तो हमने सी निकाल दिया, और 9 × 5 × 3, तो हमने क्या निकाल दिया, डी निकाल दिया, ठीक है। अब देखो हम इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं, देखो 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, इसको 5 से काट दो 2 होगा और इसको 5 से काट दो 2 होगा, ठीक है। अब देखो अब तो नहीं कट रहा है, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 3 × 4 कितना होगा 12, 12 × 2 कितना होगा 24, अनुपात यहाँ पे कितना होगा 3 × 9 = 18, ठीक है। अनुपात यहाँ पे कितना होगा 10 कितना होगा 30, अनुपात 9 कितना होगा 27। अब देखो ये कट रहा है क्या, हाँ 3 से कट रहा है, इसको 3 से काट दो तो यहाँ पे कितना होगा 8 × 3 = 24, अनुपात यहाँ पे होगा 6, अनुपात यहाँ पे होगा 10, अनुपात यहाँ पे होगा 9, इसका मतलब 8:6:10:9 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 8, 6, 10, 9 कहाँ पे है, ये वाला यानी डी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि m का 10% बराबर n का 20% हो तो m अनुपात n क्या होगा। देखो क्या दिया है, m का मतलब गुणा 10% हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, बराबर n का मतलब गुणा 20% का मतलब क्या होगा कि प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 होगा, ठीक है। अब देखो ये जो 100 है इसको इससे काट दो और ये जो 10 है इसको इससे काट दो, तो m बराबर कितना होगा 2n हो जाएगा, ठीक। अब देखो m इस पे जाएगा और n इस पे जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो m अनुपात n कितना होगा 2:1, यानी b वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, x अनुपात y हमें दिया है 3:1, तो x³ − y³ + x³ + y³ की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो x क्यूब कितना हो जाएगा 3³ − y³ कितना है 1 है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा अनुपात, देखो x क्यूब है 3 तो 3 का क्यूब हो जाएगा,
प्लस वाई कितना है, एक है, तो एक का क्यूब हो जाएगा। तीन का क्यूब कितना होता है 27 माइनस वन अनुपात तीन का क्यूब होता है 27 प्लस वन। ठीक है, अब देखो 27 में से एक माइनस करो कितना होगा 26 अनुपात 27 में से एक प्लस करो कितना होगा 28। ठीक है, अब देखो इसको दो से काट दो तो यहाँ पे होगा 13 और यहाँ पे होगा 14, यानी 13 अनुपात 14 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 2b बराबर है 19 अनुपात 9 के, तो a अनुपात b क्या होगा। देखो अनुपात का मतलब होता है बटे, तो 2a प्लस 3b बटे 3a माइनस 2b किसके होगा 19 बटे 9 के। ठीक है, अब देखो इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका गुणा यहाँ करेंगे और क्या करेंगे, फिर a को अलग करेंगे b को अलग करेंगे, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा a अनुपात b निकल आएगा। ठीक है, और इसको आप खुद करेंगे। ठीक, और जितना भी आंसर आएगा उसको कमेंट करके बताइए कि कौन सा हमारा आंसर आ रहा है इसमें से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 9 की पावर 3.04 अनुपात 9 की पावर 2.04 की वैल्यू कितनी होगी। देखो अनुपात का मतलब होता है बटे, तो 9 की पावर 3.04 बटे 9 की पावर 2.04 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो यहाँ पे कितना है, ये प्लस में है और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, या यहाँ पे ये प्लस में है और इसको अगर नीचे लेके आएंगे तो ये माइनस में होगा। ठीक है, तो अभी हमें इसको माइनस में नीचे लेके तो आना नहीं है, इसको ऊपर लेके जाओ तो कितना होगा, ये 9 की पावर 3.04 इंटू भाग है तो क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, इंटू 9 की पावर क्या है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस 2.04 हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसका मतलब घातें क्या होंगी आपस में, प्लस है तो प्लस होगा और माइनस है तो माइनस होगा। ठीक, तो 9 की पावर क्या लिख सकते हैं, देखो ये प्लस में है तो 3.04 इसको प्लस में लिख दिया और ये माइनस में है तो माइनस 2.04 कर दिया, इसका मतलब 3.04 में से 2.04 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 में से 4 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और यहाँ पे दशमलव का साइन है तो दशमलव लिखा। ठीक है, और 3 में से 2 गया 1, इसका मतलब कितना होगा, ये 1 होगा, यानी 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 का मतलब कितना होगा 9। ठीक है, 9 का मतलब कौन सा होगा, देखो 9, अब देखो अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये 9 अनुपात 1 हो जाएगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।